जैसे ऊपर आराम से ले जाऊंगा मैं अभी धीरे धीरे ले करके, जाओ ले जाओ, और जब ले चले आऊंगा ना यहाँ ऐसे हड्डी से कट गई कि अब हड्डी मेरी से जान कट निकल जाएगी। जान निकल जाएगी। और इधर अगर लेट रहे हो तकलीफ बढ़ जा रही है बहुत ज्यादा, चीज लग रही है, चीज लग रही है। जब आप मेरे पास ओपीडी में आता तो बिल्कुल ऐसा आता कि डॉक्टर साहब बिल्कुल अटक रहा है, अटक रहा है, मेरा दर्द हो रहा था उस टाइम पर। इस समय आराम है, मुझे आराम है, मुस्कुराहट आ रही है। चलो अब ऐसे हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा नेरोलॉजिस्ट सर्जन एक्सपर्ट इन लिम लेंथनिंग डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर शैलेंद्र, ये फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं और इनको अचानक से काम करते समय इन्होंने कुछ सामान फेंका, इसकी वजह से इनको कंधे में पूरा दर्द आ गया है। ये कब दर्द कब से है सर? ये कल हुआ है, ये कल हुआ है, और अभी जी। कंधा उठाने में तकलीफ हो रही है। हाँ जी, अच्छा एक बार उठा के देखिए। हाँ ऐसे, पहले उस वाले कंधे को उठाओ पूरा फ्रीली। अच्छा अब इसको उठाइए, जहाँ आपको दर्द लगे वहाँ बताना है। ये यहाँ पे दर्द पे स्टार्ट, ऊपर नहीं जा पा रहा, उठा के देखो कोशिश। बस यही कब्जे से अड़ा सर, बस ऐसा लग रहा है कुछ अलग गया है, उसके हाँ, ऊपर जाने से ऊपर से नीचे ज्यादा ऊपर लूंगा ना मेरी जान निकल जाएगी, जान निकल जा रही है। अच्छा अब दर्द है बस ना, यही यू है कैन कि सी द फेशियल एक्सप्रेशन, इनके चेहरे से पता चल सकता है कितना दर्द इनको हो रहा है। ठीक है अब नीचे लाइए, नीचे ला रहा तो ज्यादा तकलीफ हो रही है, नीचे लाने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं ज्यादा ऊपर ले गया तो मेरी जान से ही निकल जाएगी, यही है, ओके सर। यही कह रहे हैं हाँ जी, कि अगर ज्यादा ऊपर ले गया जान निकल जाएगी, और नीचे ला रहे तो ज्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे ऊपर आराम से ले जाऊंगा मैं अभी धीरे धीरे ले करके, जाओ ले और जाओ, जब ले चले आऊंगा ना यहाँ ऐसे हड्डी से कट गई कि अब हड्डी मेरी से जान कट निकल जाएगी। जान निकल जाएगी। और इधर अगर लेट रहे हो तकलीफ बढ़ जा रही है बहुत ज्यादा, हाँ, चीज लग रही है, चीज लग रही है बहुत ज्यादा। सो ये टिपिकल एक्यूट पेन ओवर शोल्डर है, ये ना तो फ्रोजन शोल्डर है, इट्स बेसिकली मस्कुलर, जो हम मस्कल्स बोलते हैं कि एकदम से अचानक से जिन्होंने वेट फेंका ऊपर की तरफ, तो बहुत कॉमनली हमारे या तो बाइसेप्स टेंडन वहां पे होता है उसके अंदर कोई खिंचाव आ सकता है, और या फिर हमारी मसल्स पुल्स हो सकते हैं। तो ऐसी एक्यूट कंडीशंस के लिए हमें डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। कल से ये दर्द से बहुत ज्यादा बेचैन है, मूवमेंट इनकी हो नहीं रही है, दो तीन जगह जा चुके हैं, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर डीएससीबी अल्फा 1 फॉर पेन मैनेजमेंट। सो आई हैव इंजेक्टेड अल्फा 1 एंड अल्फा 5, और हम देखते हैं कि 20 to 30 मिनट्स के बाद एक्यूट पेन रिलैक्सेशन में भी कितनी हेल्प करता है। अभी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था कंधे पे, तो इस इंजेक्शन के आधे घंटे के बाद देखेंगे कि आपको कुछ रिलैक्सेशन नजर आई क्या, या कंधा आराम से उठ रहा है क्या। ठीक है तो उसके बाद देखेंगे। चलो थैंक यू। ठीक है जी अब यहाँ आ जाइए। पेन इंटेंसिटी कम हुई है, जो दर्द ये था पहले में कमी आई है, कमी जी, आई है। हाँ अब उस वाले हाथ को उठाओ पहले, वेरी गुड, अब इस वाले हाथ को उठाइए ऊपर ले जाओ, कम है पहले से, अब नीचे लाओ आराम से, पहले अटक रहा था पूरा, पूरा पहले पूरा अटक रहा था लेकिन अब अटक दर्द में कम है, रहा, दर्द कम नहीं है। ऐसे अटकने पर दर्द होता था मुझे, हाँ ऐसे अटकने पे दर्द होता था, और अब क्या है, कम है, नहीं अब नहीं हो रहा, अब इतना नहीं हो दर्द रहा है। नहीं हो रहा, तो कम हो रहा आपको अभी इंजेक्शन लगे हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, है। इसका मतलब होता है कि एक्शन इंजेक्शन का स्टार्ट हो चुका है। जब आप मेरे पास ओपीडी में आया था तो बिल्कुल ऐसा आया था कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे अटक रहा है, अटक अटक रहा है, रहा है, मेरा दर्द हो रहा था उस टाइम, और इस समय इस टाइम आराम है मुझे। आराम है, मुस्कुराहट आ रही है। चलो अब ऐसे हो जाओ, अरे कंधे को ऐसे करो, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, हाँ ऊपर ले जाओ, वेरी गुड, अब नहीं अटक रहा, अब नीचे लाओ आराम से, अंदर ले आओ, सीधा करो। हाँ तो ये एक तरीका होता है डीएससीबी इंजेक्शन से पेन मैनेज करने का। जैसे कि जैसे मेरे पास ओपीडी में आया तो इनके चेहरे पे की बत्तियां गुल हो रखी थी, है ना, दर्द बहुत ज्यादा था, हाँ और जी, अभी नहीं है दर्द। अभी अब फिलहाल उठा के से दोबारा दिखाओ, चलो ऊपर ले जाओ, नीचे लाओ, ठीक है, इतना ओके, कर पा रहे थे या आप नहीं नहीं कर पा रहे थे, अब कर पा रहे हो, हाँ दर्द पहले से कम हुआ है। हाँ जी, हाँ तो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी, यही होता है मैजिक ऑफ डीएससीबी कि हाउ द पेन गेट एक्यूटली कंट्रोल आफ्टर 20 मिनट, किस तरीके से 20 मिनट के अंदर ही पेशेंट का दर्द खत्म हो गया है, कम होता चला गया, और आगे में भी और इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। ठीक है तो घर जाना है, जो जो हमने आपको एडवाइस दी वो फॉलो करनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि अभी पेन कम हो इसका मतलब नहीं कि आप सब कुछ एकदम से करने स्टार्ट कर दो, है ना। तो वी हैव मैनेज द पेन, हमने दर्द को कम किया है, लेकिन जो आपने धक्का मारा झटका किया उससे जो मांसपेशी में सूजन आती है वो टाइम लेगी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले किसी भी इस प्रकार की समस्या है, किसी को शोल्डर पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, शियाटिका पेन, इन सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। डीएससीबी इंजेक्शन के किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है, और इससे पेन को मैनेज करते हैं, इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा अभी सर का पेन कम हुआ है, तो पेन कम होने के बाद वी विल स्टार्ट इज एक्यूट फिजियो एक्सरसाइजेस,
स्ट्रेंथनिंग के लिए शोल्डर के लिए, और ये कंप्लीट तरीके से ठीक होकर अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे। सो ऐसी कोई भी समस्या आपको है, आपके जानने वालों में, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी MRI हमें शेयर करके हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।